राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष और उदयपुर शहर विधानसभा से विधायक गुलाबचंद कटारिया की ओर से पिछले दिनों वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद उनका विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। गुलाबचंद कटारिया ने राजसमंद विधानसभा चुनाव के दौरान राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप के लिए जिन शब्दों का चयन किया उसके चलते सर्व समाज ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर विरोध जताया। सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट गुलाबचंद कटारिया के साथ संदेश पोस्ट किए गए। इसके साथ ही फेसबुक और ट्विटर पर इन संदेशों की बाढ़ आ गई। गुलाबचंद कटारिया के बयान के बाद सर्व समाज की ओर से 22 अप्रैल को विशाल प्रदर्शन प्रस्तावित था, लेकिन कर्फ्यू के चलते इस विरोध प्रदर्शन को सोशल मीडिया के मार्फत करना निर्धारित किया गया। हैशटैग बॉयकॉट गुलाबचंद कटारिया के साथ लोगों ने गुलाबचंद कटारिया को अमर्यादित भाषा बोलने के लिए टारगेट किया। लोगों ने इतने संदेश पोस्ट किए कि ट्विटर पर एक बार हैशटैग बॉयकॉट गुलाबचंद कटारिया ट्रेंडिंग में चल पड़ा। कटारिया समर्थक बीजेपी के कार्यकर्ता भी कूद पड़े। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गुलाबचंद कटारिया की ओर से महाराणा प्रताप से जुड़े कार्यों की डिटेल भी डाली। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने संदेश में बताया कि गुलाबचंद कटारिया ने राजनीतिक कार्यकाल में महाराणा प्रताप से जुड़े स्थलों का विकास करवाने समेत एयरपोर्ट का नाम महाराणा प्रताप के नाम पर रखवाने सहित सैकड़ों कार्य कराए हैं। उनके शब्दों का चयन गलत हो सकता है, लेकिन भावनाएं महाराणा प्रताप के प्रति बिल्कुल सही थी। उल्लेखनीय है कि कटारिया के बयान के बाद लगातार उनका विरोध किया जा रहा है। हालांकि कटारिया अपने बचाव के लिए दो बार माफी मांग चुके हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज, जयपुर।